नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम शर्मा और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसर्च पेपर के बारे में जो कि आपके परफॉर्मेंस पे बहुत ही सीधा फर्क एक किस्म से डाल सकता है। तो दोस्तों, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की बेसिक जानकारी हम सभी के पास में है और हम सभी को ये पता है कि जो हमारा एक बेसिक एनर्जी सोर्स होता है उसे बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो जैसे कि एक गाड़ी को अपनी परफॉर्मेंस के लिए पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है और पेट्रोल उसको हर अच्छे तरीके से एनर्जी दे सकता है, तो आप ये मान लें कि कार्बोहाइड्रेट एक तरह से हमारे शरीर का पेट्रोल होता है। तो जो भी हमारी परफॉर्मेंस होती है, जो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो प्राइमरीली सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के द्वारा पूरी की जाती है और कार्बोहाइड्रेट इसके लिए एक बेस्ट फ्यूल का काम करता है। अब हम लोगों को ये जानना आवश्यक है कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का जो स्टोरेज होता है वो हमारे मसल्स में होता है और लिवर में होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। मतलब एक कार्बोहाइड्रेट का एक जो डिपोजिशन वाला फॉर्म होता है उसे बोला जाता है ग्लाइकोजन। तो जब भी हमारा एक्टिविटी का लेवल बढ़ जाता है, दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट लोडिंग, मतलब कि जब भी एक व्यक्ति एक मैराथन की या एक लॉन्ग रन की तैयारी करता है तो वो अपने शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट कुछ दिन पहले से एक्सेसिव मात्रा में लेना शुरू कर देता है, जिससे कि एनर्जी का एक तरह से फ्यूल का उसके शरीर में वो डिपॉजिट कर पाए। और ये एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट कहाँ जमा होता है? स्केलेटल मसल्स में या लिवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जिनके शरीर में ये एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट नहीं होता और सपोज उन्होंने एक्टिविटी अपनी काफ़ी अधिक बढ़ाई है, तो एक जैसे मैराथन रनर है तो उसको करीब 30-35 किलोमीटर पर बिल्कुल फटीग जैसा महसूस होगा। कंसेप्ट को बोला जाता है लाइक हिटिंग द वॉल। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ होती है या हाई एनर्जी लंबे ड्यूरेशन की एक्टिविटी होती है तो कार्बोहाइड्रेट फ्यूलिंग हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। अब इस रिसर्च पेपर का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जब भी ऐसी एक्टिविटीज़ रिपीटेटिव होती है, मतलब जैसे कोई मिलिट्री पर्सनल है और वो एक किस्म के किसी मिशन पे निकले हुए हैं, तो वो ऐसा तो नहीं कर सकते कि हमने ये हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर ली अब हम रेस्ट करेंगे। तो उनकी जो एक्टिविटीज़ होंगी, हाई एनर्जी एक्टिविटीज़ होंगी, वो रिपीटेड होंगी। सिमिलरली कोई स्पोर्ट्स पर्सन है और इसे कंसेक्यूटिवली लगातार मैचेस के अंदर परफॉर्म करना है, मतलब जैसे उसका एक मैच हुआ, थोड़ा रेस्ट हुआ और थोड़ी देर बाद में उसको दूसरा मैच है, या फिर जैसे ट्रायथलॉन है जहाँ पे उसको अपने इन एनर्जी रिजर्व को बहुत जल्दी से रिप्लेनिश करना है, तो उसके लिए क्या तरीका हो सकता है, इस विषय पे इस रिसर्च में बहुत ज़्यादा प्रकाश डाला गया है। तो दोस्तों, अब तक ये कंसेप्ट था कि उसके लिए कार्बोहाइड्रेट लोडिंग किया जाना चाहिए, परंतु इस रिसर्च में ये देखा गया कि जब भी इस कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन के साथ में मिक्स किया गया तो परिणाम बहुत ही अच्छे पाए गए। क्या प्रभाव होता है उसका कि जब भी कार्बोहाइड्रेट शरीर में जाता है तो हमारे शरीर से इंसुलिन आता है जो कि इस ग्लाइकोजन डिपोजिशन में मदद करता है। जब प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट के साथ में मिक्स किया जाता है तो इंसुलिन का सिक्रेशन बेटर होता है और इस तरह से इस कॉम्बिनेशन से जो ग्लाइकोजन फॉर्मेशन है, मतलब शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट का डिपोजिशन वाला फॉर्म है, वो थोड़ा सा एक प्रॉपर या सिंपल कार्बोहाइड्रेट से उसका डिपोजिशन थोड़ा सा अधिक होगा। एक दूसरी रिसर्च की गई जिसे प्रकाशित किया गया जर्नल ऑफ मेडिसिन एंड साइंस इन स्पोर्ट्स में, उसमें ये देखा गया कि जब भी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है तो ग्लाइकोजन का जो स्टोरेज होता है वो इतना प्रभावी नहीं होता जितना कि प्रोटीन के कॉम्बिनेशन के साथ में किया जाता है। तो क्या नतीजा निकला कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का यदि कॉम्बिनेशन दिया जाए तो ग्लाइकोजन फॉर्मेशन थोड़ा सा बेटर होता है। प्रोटीन का एक दूसरा एडवांटेज ये होता है कि जो भी हमारे शरीर में वियर एंड टीयरिंग होती है, कुछ माइक्रो टीयरिंग होती हैं, हल्का फुल्का इंजरीज लगती रहती हैं, तो मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन एक तरह से एक एक्स्ट्रा सपोर्ट अपने को प्रदान करता है। दोस्तों, जनरली जो कार्बोहाइड्रेट का मात्रा रिकमेंड किया गया है हमारे इनटेक के लिए वो होता है अराउंड 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी मास। तो बेसिकली यदि हम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मिक्सचर की बात करें तो इस रिसर्च पेपर के रिकमेंडेशन के अनुसार कार्बोहाइड्रेट 0.9 ग्राम पर केजी बॉडी वेट और प्रोटीन 0.3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट वुड बी ए ऑप्टिमम थिंग फॉर अर्ली रिप्लेनिशिंग ऑफ योर
ग्लाइकोजन स्टोर्स, मतलब यदि आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर इस तरह से 4:1 के रेशियो में लेते हैं तो आपके जो एनर्जी स्टोर्स हैं वो बहुत जल्दी रिप्लेनिश होंगे और आपकी जो मसल्स में इंजरी है उसमें भी काफ़ी आपको मदद मिलेगी। दोस्तों ये रिसर्च बेसिकली अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के एक इशू में मुझे प्राप्त हुई। तो दोस्तों बेसिकली ये रिसर्च पेपर डॉक्टर ली एम मार्गोलिस द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसमें ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर इन्होंने जानकारी दी है। तो मुझे उम्मीद है कि इस रिसर्च पेपर का उपयोग करके ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनको रिपीटेडली परफॉर्म करना होता है, अपनी एनर्जी सोर्सेज को बहुत जल्दी रिफिल करना होता है, वो इस टेक्निक का, इस रिसर्च पेपर के फाइंडिंग का उपयोग करके और अपनी परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी कर पाएंगे। इस वीडियो को देखने का धन्यवाद। आपको इस संबंध में कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या आप हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन 9587077444 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।